अब मेट्रो वाले कह रहे हैं झुग्गियाँ हटाओ, हमारे काम की जगह है, तुम हट जाओ यहाँ से। अब बताओ ऐसे बारिश में छोटे छोटे बच्चे लेके हम कहाँ जाएंगे। कभी कहीं बुलाते हैं, कभी कहीं बुलाते हैं, कभी नोटिस लगा देते हैं, तो कभी झुग्गियाँ आके तो हिला देते हैं। यही गुजारिश है सरकार से कि हमारे साथ न्याय किया जाए, अन्याय न किया जाए, कि हम भी देशवासी हैं, कोई आतंकवादी नहीं है, देश के ही है। नमस्कार, न्यूज़ क्लिप में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के आईपी स्टेट में, दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड के बाहर, जिस पर दिल्ली में पुनर्वास की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यही बोर्ड है जो दिल्ली में पुनर्वास को लेके काम करता है। यहाँ जो लोग प्रदर्शन करने आए हैं वो लोग हैं जो मेहरौली बदरपुर रोड पर साइड में 100 परिवार है, झुग्गी बस्तियों में एक दशक से अधिक से वहाँ रह रहे हैं, मूर्ति बनाने का काम करते हैं, लोहार का काम करते हैं, इसके अलावा पत्थर पर हथौड़े छेनी से सिलबट्टे बना के उसको बेचने का काम करते हैं। इस तरीके के परिवार जब वहाँ रह रहे हैं, पहले इनका सर्वे हो चुका है, इनको नोटिफाइड स्लम का एक दर्जा मिला था, नोटिफाइड स्लम को दर्जा उनके यानी पुनर्वास करने के बाद ही इसको तोड़ा जा सकता है। लेकिन अभी दिल्ली मेट्रो जो है DMRC उसने इनको मकान खाली करने का और इनको जल्द वहाँ पर इविक्शन प्लान को लेकर आई है वो, और जब वो इविक्शन प्लान कर रही है तो इनके पुनर्वास की कोई बात नहीं हो रही है। और इन लोगों को पहले इनका सर्वे हो चुका है, 98 परिवार थे जिसमें से कुछ परिवार एलिजिबल थे जिनका पुनर्वास होना था, जिसका पुनर्वास की बात तो अभी कहीं दूर दूर तक नहीं हो रही है, लेकिन इनके घरों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इनकी बस्ती के बाहर एक बुलडोजर खड़ा कर दिया गया और लगातार वहाँ पुलिस अनाउंस कर रही है जो इनके जल्दी जल्दी खाली कर दिया जाए, इनके मकानों को तोड़ दिया जाएगा। इसी खिलाफ ये लोग यहाँ दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड पहुँचे हैं, डायरेक्टर साहब से मिलने आए हैं और उनसे इनकी मांग है जो इनके पुनर्वास किया जाए। तो हमने इनसे बात किया है ये किस हालत में रहते हैं और इनकी क्या मांग है, क्योंकि हमें याद है हर चुनाव से पहले हर पार्टी ने, भाजपा में केंद्र शासित भाजपा हो चाहे दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार हो, सभी ने वादा किया था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। तो इनकी झुग्गियों को तो मकान की दूर की बात, जो जिन झुग्गियों में बड़ी मुश्किल से जीवन गुजर कर रहे हैं, इस तरह की झुग्गी बस्तियों को लगातार दिल्ली में तोड़ा जा रहा है। ऐसे ही हमने जो परिवार यहाँ प्रदर्शन करने आए थे और जो इनके आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं उनसे हमने बात की, समझने का प्रयास किया है वो किस हाल में है और वो सरकारों से क्या चाहते हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो स्लम बसे हुए हैं उन स्लम की जो हालत है, वो हालत है कि वो अपनी जिंदगी की जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं जिनकी वो पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, पर आज सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है, वो संकट है उनके आवास का। हालांकि उनको जो झुग्गियाँ मिली है वो पूर्ण रूप में आवास तो नहीं है, जो झुग्गियाँ मिली हैं और जिन झुग्गियों में वो रह रहे हैं, जिन झुग्गियों को उन्होंने तैयार किया है, उन झुग्गियों के नीचे वो अपने परिवार के तमाम जितने अधिकार हैं, चाहे वो बच्चे का अधिकार है, महिलाओं का अधिकार है, नागरिकों के अधिकार है, चाहे वो मानवाधिकार है, सबकी रक्षा केवल एकमात्र वो झुग्गी करती है जिसके नीचे मजदूर का परिवार रहता है। झुग्गियों में रहते हैं तो वहाँ पर क्या हुआ है कि पुनर्वास के तहत पर हम लोगों का सर्वे भी हुआ है, बहुत मैंने वो हुआ, आज मेट्रो के कार्य की वजह से हमारे को वहाँ मेट्रो वाले हटाए जा रहे हैं और पुनर्वास का हमारे जो है मैंने पुनर्वास हमारे चल ही रहा है, हमने जो पुनर्वास में सर्वे दिया लेटर दिया है वो अब तक चल रहा है, लेकिन यहाँ से कुछ ऑर्डर आया नहीं, वहाँ नोटिस पड़ गया क्योंकि हम तोड़ देंगे हटा देंगे। अब मेट्रो वाले कह रहे हैं झुग्गियाँ हटाओ, हमारे काम की जगह है, तुम हट जाओ यहाँ से। अब बताओ ऐसे बारिश में छोटे छोटे बच्चे लेके हम कहाँ जाएंगे, हमें जो घर देने का वादा किया था वो घर भी नहीं दे रहे हैं। और ऐसे कह रहे अब भागो तुम, अब कहाँ जाएंगे ऐसे बारिश में हम बच्चे लेके, बस हमारा तो यही कहना है कि हमें कहीं बिठा दो। जैसे सर्वे किया गया है न घर मकान दो तो कहीं झुग्गी डालने की जगह ही दे दो, जो हम झुग्गी डाल के बच्चों को गुजारा करा सकते हैं, कहीं स्कूल में बच्चों का नाम हम दर्ज कराएंगे, तो ये कि कहीं स्थायी रूप से कहीं झुग्गी हमारी जगह दे दो तो हम झुग्गी उग्गी बना के अपने जैसे रह रहे थे अपनी ज़िंदगी काट लेंगे। सर यही गुजारिश है सरकार से कि हमारे साथ न्याय किया जाए, अन्याय न किया जाए, कि हम भी देशवासी हैं, कोई आतंकवादी नहीं है, देश के ही हैं। पहले बताया था कि तुम्हें घर मिलेगा, अब कह रहे हैं कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें ऐसे ही भगाएंगे, अब कहाँ जाएंगे ऐसे बारिश का टाइम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, कोई औरतें जापे में हैं, कोई औरतें पेट से हैं, बताओ कहाँ जाएंगे ऐसे में, हमें हमारा कोई ठिकाना दे दो हम वहाँ चले जाएंगे, वो हमारे को ठिकाना भी नहीं दे रहे, ऐसे ही भगा रहे तो कहाँ जाएंगे।
हम ना कम से कम 20 साल से रह रहे हैं, जब हमारा कुछ नहीं बना था, ना लाइट लगी थी, फिर लाइट के मारे हमारे पहचान पत्र भी बन गए, आधार कार्ड भी बन गए, और उसके बाद रहते हुए फिर मेट्रो आ गई। मेट्रो के बाद मेट्रो वालों ने हमारी फाइलें शुरू कर दी बनानी, सर्वे कर दी, फाइल बना दी सब। अब 4 साल से ये है कि कभी कहीं बुलाते, कभी कहीं बुलाते, कभी नोटिस लगा देते हैं, तो कभी झुग्गियाँ आके तो हिला देते हैं, ये परेशानी करते रहते हैं। अभी भी नोटिस लगा रखा है, उसमें कोई कोर्ट की मोहर नहीं है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, और जो फाइलें पास हो गई है, जिस जिसकी हो गई है, उसको कोई उत्तर नहीं मिला है, ना उसको कोई ठिकाना दे रहे हैं। हमको तो पास के कागज भी दे दिए हैं, फिर कह रहे हैं कि कैंसिल हो गया, अब कुछ भी नहीं मिलेगा। हम लोग के बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, हम लोग कहाँ जाएं? हम लोगों के तो मेरा हक चाहिए, हमारे प्लॉट चाहिए, हमारे जो कागज पर भी लिखे हैं कि तुम्हें मकान दे दिया गया है, तो हमारा मकान मिलना चाहिए। मेरे पास कागज है सर, देख लीजिए पासिंग का, इसमें क्या लिखे हैं, हम तो पढ़े लिखे नहीं है। अब कह रहे हैं कि अब कैंसिल कर दिए, किस बात पर मेरा कैंसिल किए हैं? कीड़े मकोड़े हैं जो हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। वोटिंग नहीं होती है क्या? हमारी वोटिंग चेक कर लो, वोट डालते हैं हमारी 13 से लेके अभी तक की वोटिंग चेक कर लो। 2020 में हमारी सर्वे की गई थी दुसुब द्वारा, उसमें मेट्रो कर्मचारी भी थे। हमसे ये बोला गया था कि आपको हम फ्लैट दिए जाएंगे, आपको 98 परिवार की सर्वे की गई थी, ठीक है सर। उसमें ऐसा था कि जब हमारे वोटर कार्ड भी चेक करे थे, आधार भी चेक करे थे, जब तो उन्होंने ये बोला नहीं कि आपके वोटर कार्ड में होमलैंड आ रहा है, पर झुग्गी की इन्होंने सर्वे कर दी। अब ये कभी तो वोटर कार्ड में चेक इन करते हैं, कभी वोट लिस्ट आके कर देते हैं, कभी आधार में नुक्स निकालते हैं, इनको पकड़े किधर से हम? अब तो पहले भी उन्होंने है ना नोटिस लगा दिया कि यहाँ से हटाओ, तुम्हें 15 दिन का टाइम दे रहे हैं। अब हटा देंगे तो बताओ हमें ऐसे बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? अब फिर उन्होंने है नोटिस लगा दिया, अब फिर नोटिस लगा दिया, फिर हमको 15 दिन का टाइम दिया है, और कल का टाइम ही है हमारे लिए, 15 तारीख का है, कल 30 तारीख को हमारी तोड़ फोड़। बताओ ऐसे में हम कहाँ जाएंगे? अगर होमब्ला सब बोलते हैं तो पहले ही हमारी सर्वे क्यों की थी? जब हमारे आईडी में होमब्ला सारा था तो सर्वे क्यों किया था हमारा? जब ही मना कर देते हमें, और अब कभी किस चीज़ में नुक्स निकालते, कभी किस चीज़ में नुक्स निकालते? क्या वोट लेने के लिए तो सभी को आ जाते हैं, पास भी हमको बता देते हैं, मगर कैंसिल क्यों कर दिया जाता है हमें सर? नोटिस पर नोटिस फिर लगा दिया जाता है, इसी 30 जुलाई को टूट जाएगी झुग्गी हमारी सारी, अब कोई हमें देखने वाला नहीं है।